मुंबई के वर्ली में हुआ हिट एंड रन का केस, BMW ने मारी स्कूटी को टक्कर, पति पत्नी थे सवार लेकिन पत्नी की हुई मौत, शिवसेना नेता के बेटे को किया गया गिरफ्तार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। रविवार की सुबह वर्ली के अटारिया मॉल के पास एक हिट एंड रन का केस सामने आया, जहां पर वर्ली कोलीवाड़ा के रहने वाले पति पत्नी दंपत्ति, जिनकी पहचान प्रदीप नाकुआ और कावेरी नाकुआ के रूप में हुई है, दोनों मछली लेने के बाद सूजन डॉक गए हुए थे, वो वापस लौट रहे थे और तभी मछली से भरी हुई ये उनकी स्कूटी और पति पत्नी आ तो रहे थे, लेकिन तभी पीछे से जोरदार BMW जो व्हाइट कलर की थी उसने टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसमें 100 मीटर तक जो कावेरी नाकुआ है वो कार की बोनट पर थी और 100 मीटर घसीटने के बाद ये जो BMW चला रहा था मिहिर शाह, इसे आखिरकार पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। बता दें ये मिहिर शाह कौन है, तो ये पालघर ज़िले के शिवसेना नेता जो राजेश शाह है उनके बेटे हैं और ये उनके बेटे ड्राइवर को बगल में रखकर ये BMW गाड़ी चला रहे थे और इन्होंने काफ़ी ज़ोरदार टक्कर जो स्कूटी है उसे मारी और इसी स्कूटी की टक्कर में कावेरी को नज़दीकी अस्पताल में ले जाने के बाद इलाज के दौरान कावेरी की मौत हो गई, जिस मौत के बाद वहां पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले को लेकर दुख जताते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, ये कार्रवाई जो है बिल्कुल निष्पक्षता से की जाएगी, हम किसी भी तरीके का इस कार्रवाई में भेदभाव नहीं रखेंगे। और इसी मामले को लेकर खुद आदित्य ठाकरे भी जो है हॉस्पिटल पहुँचे थे घटनाक्रम का जायज़ा लेने और आदित्य ठाकरे ने कहा कि उम्मीद करते कि इस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा, कार्रवाई जो है निष्पक्षता से होगी। अब इस मामले में जो पत्नी की मौत हुई है, अब इस मामले में ये देखना है कि वर्ली पुलिस किस तरीके से हिट एंड रन केस को लेकर पूरी तरीके से निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए जो इसमें आरोपी मिहिर शाह उस पर सख्त से सख्त सज़ा देने में काम करती है। और इस मामले में अब ये देखना है कि किस तरीके से आजकल के नेता जो अपने बच्चों को ढील देते हैं वो अपने बच्चों पर कब जो है इस तमाम हादसों को लेकर एक आह्वान करते हैं कि वो किसी भी तरीके का अपने प्रॉपर्टी या अपने ज्यादता दिखाने के कारण किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जो मुंबई में हिट एंड रन का जो घटना जो हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार, वो जो भी हो कानून के सामने सब बराबर। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।